हम लोग शपथ लेते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग शांति बनाए रखेंगे तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे। ये सभी हिस्ट्री शीटर्स हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अलग अलग थानों में जाकर 600 हिस्ट्री शीटर्स ने गड़बड़ी नहीं करने और दूसरों को भी गड़बड़ी नहीं करने देने की कसम खाई है। जिले के सभी थानों में पुलिस ने उन लोगों को ये शपथ दिलवाई है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, इसे लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में यूपी के संभल जिले की पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को संभल समेत यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वोटिंग को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए संभल पुलिस ने इलाके में सक्रिय अपराधियों से लेकर आपराधिक इतिहास वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में जिले के 17 अलग अलग थानों में 600 हिस्ट्री शीटर्स को बुलाकर पुलिस कर्मियों की तरफ से लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शपथ दिलाई गई। संभल के एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने कहा कि उनको चुनाव के समय कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं करने और चुनाव में व्यवधान नहीं डालने को लेकर शपथ दिलाई गई है। जनपद संभल में आगामी लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत हिस्ट्री शीटरों के चेकिंग का अभियान चलाया गया था, जिसमें जनपद के सभी थानों पर संबंधित हिस्ट्री शीटरों को बुलाया गया और उनको वेरीफाई किया गया। साथ ही साथ उनको चुनाव के समय पर कोई भी आपराधिक कृत्य या चुनाव में व्यवधान न डालने के संबंध में शपथ दिलाई गई। इस अभियान में अभी तक सभी थानों पे लगभग 600 के आसपास HS का सत्यापन कर लिया गया है, जो कि आगामी दिनों में लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। वहीं शपथ लेने वाले एक हिस्ट्री शीटर तस्लीम उर्फ काका ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम लोगों को कोतवाली में बुलाया गया था, यहाँ पर अपराध नहीं करने और दूसरों को भी अपराध नहीं करने देने की शपथ दिलाई गई। चुनाव के दौरान हम सही तरीके से वोट डालकर आएंगे और दूसरों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील करेंगे। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हम करेंगे और न किसी को करने देंगे। एक दूसरे हिस्ट्री शीटर मरगूब ने कहा कि आज हमने शपथ ली है कि चुनाव में बिल्कुल सही तरीके से वोट डालेंगे और फिर घर पर रहेंगे। इसी के साथ चुनाव में किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होने देंगे और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्ती के लिए जानी जाती है। यूपी सरकार की माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी चर्चा में रहती है। यूपी से कई ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिसमें माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती साफ साफ दिखती है। यहाँ तक कि अपराधी अपने गले में तख्ती डालकर थाने में सरेंडर करते भी यहाँ देखे गए हैं। अब यूपी के संभल की तस्वीरें भी सुर्खियों में है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर संभल पुलिस अलर्ट पर है। संभल यूपी का संवेदनशील जिला है, ऐसे में पुलिस ने संभल के हिस्ट्री शीटर और सक्रिय अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।